हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड की एक और रेसिपी, ब्रेड का नाश्ता जिसको मैंने ब्रेड टिक्की का नाम दिया है। तो ये देखिए, झटपट से इसको बनाना शुरू करते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने ब्रेड ली हुई है, वाइट ब्रेड मैंने लिया है और इसको हमें हाथों से इस तरह से तोड़ना होगा। तो ये देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं और सबसे पहले हाथों से हम ब्रेड को तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इससे लगभग 8 से 9 टिक्की के करीब बन जाएंगी, जो कि आराम से 3 लोगों के लिए सफिशियंट होगी। तो ये देखिए, सारी ब्रेड को हमने तोड़कर रख लिया है। इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। और ये देखिए, इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ढक्कन लगाकर इसको आप पीस लीजिए। तो पानी इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका पेस्ट हमें मिल गया है। तो ब्रेड का हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ा है और बिल्कुल ऐसा ही हमें इसका पेस्ट चाहिए। अब ये देखिए, इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे सब्जियां। अपनी पसंद की आप कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो। जो ना पसंद हो वो स्किप कर दें। ये देखिए, सबसे पहले तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च स्किप कर दें, उसकी जगह काली मिर्च का पाउडर ऐड करें। यहाँ पर 2 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने काट कर ऐड किया है। इसके साथ ही लगभग 2 टेबल स्पून के करीब मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। इसमें देखिए, पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ मैं, बारीक कटा हुआ। तो थोड़ा सा पत्ता गोभी भी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मटर ऐड कर रही हूँ मैं, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब है। और सारी चीजें मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज को काट कर ऐड कर दिया है। ये देखिए, नमक भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने। इसके साथ ही आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दें, चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी आप बारीक या मोटी कैसी भी ऐड कर सकते हैं। और सारी चीजों को बस हमें अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल ब्रेड टिक्की, जो कि बहुत टेस्टी होती है, साथ ही बहुत हेल्दी भी है। सूजी है इसमें, ब्रेड है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए स्नैक के फॉर्म में, या फिर टिफिन के लिए बहुत अच्छी है, या फिर अचानक से घर में आपके अगर मेहमान आ जाए तो भी आप बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मिक्सचर हमारा फटाफट रेडी हो चुका है। और आपने देखा, मिनटों में ये मिक्सचर रेडी हो गया और नाश्ता भी बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लीजिए, जितनी बड़ी भी आप टिक्की बनाना चाहें। ये देखिए, इसको इस तरह से टिक्की का शेप दे दीजिए और इसे हमें तवे पर शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम तवे पर सेकेंगे। आप लोहे का तवा ले सकते हैं और चाहे तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको बहुत कम तेल में बनाऊंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा तेल मैंने लिया है। नॉन स्टिक पैन का यूज किया है ताकि तेल कम से कम लगे और ये चिपके नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम टिक्कियों को रख देंगे। तो एक एक करके सारी टिक्की आप इसमें रख दीजिए। और फ्लेम हमारी लो मीडियम है, और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेकेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल करने यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़े से तेल में ही आप इसको बना सकते हैं। बस दोनों साइड से आपको इसको सेकना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सूजी ऐड की थी, इसलिए हम इसे ढककर पकाएंगे। तो लगभग 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक देंगे ताकि सूजी भी अंदर से अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया है मैंने। 2 मिनट के बाद में ये देखिए, ढक्कन मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं टिक्की का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। नीचे से ये देखिए, मैं इसको पलट रही हूँ और ये अच्छे से सिक चुकी है। तो दूसरी साइड से भी इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम सेक लेंगे। अब इसको हमें ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूजी सिक चुकी है। ये देखिए, अच्छे से इसको आप दूसरी साइड से भी सेक लीजिए और बस हमारी ब्रेड की टिक्की बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप भी इसको कभी भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी आप इसको रख सकते हैं। साथ ही हल्की फुल्की भूख में भी इसको खाया जा सकता है। आपके घर में जब भी मेहमान आ जाए, फटाफट से आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी सब्जी नहीं है और सिर्फ ब्रेड है, सूजी है, तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो आप भी घर में बनाइए ये रेसिपी, ब्रेड से बना नाश्ता। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। ये देखिए, बनकर बिल्कुल रेडी है ब्रेड का नाश्ता, ब्रेड की टिक्की, जिसको कि आप इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए।